हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं हूं आपका होस्ट तक्षित भारती। और आज हम बात करने वाले हैं SRAM और DRAM के बारे में। टर्म्स आपने सुने होंगी, SRAM DRAM क्या होती है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इन दोनों चीज़ों के बारे में जानना। नेचर होता है ये रैम्स का, तो क्या डिफरेंस होता है इनके अंदर, क्या हेल्पफुल होता है इनके अंदर, और अंदर बाहर की हम सारी बातें करने वाले हैं आज इस वीडियो में। बट उससे पहले, अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने उन दोस्तों के साथ जो भी आपकी और मेरी तरह टेक्निकल फ्रीक हैं, जिन्हें पसंद है टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है उसको जानना। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रैम्स के बारे में जानना। आप डायरेक्टली इस वीडियो पर आए हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले बेसिक रैम के बारे में जान लें, तभी आप डिफरेंस कर पाएंगे SRAM और DRAM के बारे में। तो आज हम जान रहे हैं SRAM और DRAM के बारे में। SRAM फुल फॉर्म क्या होती है? स्टैटिक रैम। DRAM फुल फॉर्म क्या होती है? डायनेमिक रैम। स्टैटिक का मतलब वो चीज फिक्स्ड है, डायनेमिक का मतलब वो चीज फिक्स्ड नहीं है। बट इस केस में, रैम्स के केस में दोनों ही फिक्स नहीं है, बट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट कि वो कितनी ज्यादा फिक्स नहीं है, ये दोनों नाम दिए गए हैं। तो मैंने आपको बता रखा है कि कैश मेमोरी क्या होती है, तो कैश मेमोरी SRAM होती है और नॉर्मल रैम DRAM होती है। मैंने आपको एग्जांपल्स बता दिए। अब नेचर के बारे में बात करें तो रैम्स का जो नेचर होता है वो वोलेटाइल होता है। ना रैम, नट एस और डी, दोनों रैम्स का ही वोलेटाइल होता है, यानी कि आप पावर ऑफ करेंगे तो दोनों उड़ जाएगी, लेकिन अगर पावर ऑन है तो। DRAM जो होती है, यानी कि डायनेमिक रैम जो होती है हमारे पास, यानी कि नॉर्मल रैम जो होती है हमारे पास, उस पे डाटा ज्यादा फास्ट उड़ता है। यानी कि आपने कोई एप्लीकेशन रन करी और DRAM के अंदर वो एप्लीकेशन का डाटा है तो वो बहुत ही जल्दी उड़ जाएगा। यानी कि अगर आप 5-6 और दूसरे काम कर ले और आप फिर पुराना काम एक्सेस करेंगे तो वो शायद उड़ चुका होगा। लेकिन अगर आप 5-6 काम कर ले और फिर आप दोबारा से कोई पुराने काम पे जाएं और आप सोचें कि मेरे को परफॉर्मेंस बढ़िया मिलेगी बिकॉज ये ऑलरेडी ओपन कर चुका हूँ मैं चीज़, तो हो सकता है कि वो रैम के अंदर प्रेजेंट हो, बट ऐसा नहीं होगा बिकॉज रैम डाटा लूज करती है विद टाइम। चाहे वो रीस्टार्ट करें आप सिस्टम, तब तो वो कम्प्लीटली क्लीन हो जाएगा, बट रीस्टार्ट नहीं भी करते तो भी विद टाइम डाटा रैम के अंदर से उड़ता रहता है, स्लोली स्लोली ड्रेन होता रहता है, बिकॉज उसके अंदर जो है वापस ट्रांजिस्टर्स होते हैं जो इतने कैपेबल नहीं होते हैं होल्ड करने के डाटा। लाइक अगर आपने सुबह चलाया और आपने 5-6 घंटे चलाए रखा सिस्टम और फिर आप कोई पुराना काम एक्सेस कर रहे हैं और सोचेंगे कि मेरे को बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगी बिकॉज ऑलरेडी ओपन है, रैम के अंदर स्टोर होगा, तो ऐसा नहीं होगा बिकॉज रैम ओवरराइट करती है डाटा। अगर वो फ्रीक्वेंटली यूज हो और फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होगा तो विद टाइम डाटा इरेज हो जाता है रैम में से। तो सुबह का अगर आप शाम चलाएंगे और आप मेरे पास आएंगे कि मैंने तो टर्न ऑफ भी नहीं करी बट फिर भी मेरी रैम क्लीन हो गई, ऐसा क्यों? तो वो मैंने बता दिया आपको, इस वजह से क्योंकि रैम डाटा लूज करती है। वहीं ऑन द अदर हैंड जो कैश मेमोरी होती है हमारे सिस्टम के अंदर, वो एज कंपेयर टू रैम ज़्यादा देर तक डाटा होल्ड कर सकती है, और इतना ज़्यादा होल्ड कर सकती है कि मोस्ट प्रोबेबली अगर आप उसको ओवरराइट करें या अपने सिस्टम को बंद करें उसमें से डाटा सिर्फ तभी उड़ता है। दोनों रैम के ही टाइप हैं, बट एक फास्ट होता है जो कि कैश मेमोरी है, एक स्लो होता है जो नॉर्मल रैम है, एक हमारे पास बड़े साइज का होता है जो कि नॉर्मल रैम है, एक हमारे पास कम साइज का होता है जो कि कैश मेमोरी है। एक टाइम बीइंग डाटा लूज करता है और एक पावर ऑफ योर टाइम बीइंग के बाद ही डाटा लूज करता है। तो यही है इन दोनों के अंदर डिफरेंस। ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बट इतना भी डिफरेंस जो है वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है हमारे सिस्टम के अंदर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और जल्द मिलता हूँ मैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।